आप मेरा यकीन करें अम्मी, पापा के पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी जमा करके रखा था वो मेरी और अनमोल की शादी पे लगा चुके हैं, और आप लोगों की भेजा ख्वाहिशात की वजह से वो इतने कर्जे में हैं। इतनी बेवकूफ हो नहीं जितनी लगती हो, समझती सब हो। एक बात अपने बाप को समझा दो, कैसे हमारी बेजा ख्वाहिश समझने के बजाय तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश समझ के पूरा कर दे, वरना उसे तुम्हारा मरा मुंह देखना नसीब होगा। समझा देना अपने बाप को कि जो गरीब मस्कीन होने के दिखावे कर रहे हैं ना मुसलसल, बंद कर दे ये सब कुछ। अब की बार जरा से भी भूल चूक हुई तो फिर वो तुम्हारे कफन दफन का इंतजाम करे। बता देना अपने बाप को। क्या मैंने किया ऐसा, क्यों जान पे बन आई, क्यों ऐसे हो दिल मेरा, क्यों ऐसे हो रुसवाई, नैना नैना रे खारे नैना रे, रो रो के तन्हा हारे नैना रे। कहाँ जा रही हो मोहतरमा इतना बंठन के सुबह सुबह, और ये अरसलान कहाँ है? रात भर दोस्तों के साथ आवारा करती, और दिन भर सोने के अलावा आपके लाडले के पास काम ही क्या है, तो वो ही कर रहे हैं। जितना पूछा है उसका जवाब बताओ, कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? दिल तो बिल्कुल भी नहीं है जवाब देने का, लेकिन यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। यूनिवर्सिटी, ये क्या नया चक्कर है भाई? बीबी ये मेरा घर है, यहाँ मेरा हुक्म चलता है, बस कर दो अब ये पढ़ाई शढ़ाई के ड्रामे, घर बैठो चूल्हा हांडी संभालो। रहने दे अम्मी, यूनिवर्सिटी तो वैसे भी एक बहाना है, इसके तो कुछ और ही चक्कर है। आप लोगों को जो कुछ भी सोचना है ना आराम से सोचें, वैसे भी पूरा दिन करने को होता क्या है आप लोगों के पास, तो अच्छा है एक अच्छी मसरूफियत मिल गई। और हाँ, मैं लेट हो जाऊंगी, अम्मी याद कर रही हैं तो घर जाऊंगी, और गाड़ी भी साथ लेकर जा रही हूँ। आपने कहा था ना उस दिन कि बाबा ने जो कुछ भी दिया अपनी बेटी को दिया, तो दामाद उसमें आवारा गर्दी करे, बेहतर है मैं इस्तेमाल कर लूँ, वो भी सही इस्तेमाल। हलाफिस हलाफिस। अरसलान अरसलान उठ जा, क्या ये मुसीबत मेरे गले डाल के सोया हुआ है सुकून से? नहीं अम्मा नहीं, ना तो ये तुमसे संभलेगी ना ही अरसलान भाई से। तेवर देखे उसके, और ऊपर से उसको ड्राइविंग भी आती है, और एक मैं ही हूं, और बनाओ मुझे कुएं का मेंढक, तो ये मुझे अदील को होने ही नहीं देगी।